अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं इरबाज अहसन और वेलकम करता हूँ आपको चैनल बर्ड्स किंगडम में। आज की वीडियो का टॉपिक ये जो बर्ड डिजीज़ और उनके सिम्टम्स पे होगा, तो देखते रहिए बर्ड्स किंगडम। तो बात करते हैं बीमारियों पे और उनके सिम्टम्स पे। ठीक है, सबसे पहले आता है बुखार। बुखार मोस्ट कॉमन है। इसमें ये होता है कि बर्ड ना ढीला हो जाता है, पर फैला लेते हैं और एक जगह बैठ जाता है। लोग परेशान होते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में पूछते हैं, यूट्यूब पे भी कमेंट करते हैं, भाई ये वीडियो देखना हमारे बर्ड को क्या हुआ है। वो क्या होता है, बर्ड जी बाकी सारे बर्ड्स ठीक हैं, वो एक बर्ड ही सुस्त होकर बैठा होता है और पर फैलाए होते हैं और इस तरह बैठा होता है। अब बुखार ये हो गया पहला, ठीक है। इसका हाल वगैरह आपको पहले भी एक दो वीडियोज़ में बताया है वैक्सीनेशन में, और आगे भी एक एक हर बीमारी पर एक एक वीडियो बनाएंगे, ठीक है। अगला आता है खांसी। खांसी में पैर जो होता है ना, उसे खांसी लग जाती है। अक्सर ये होता है ठंड वगैरह की वजह से, या रात को पानी पड़ा रह जाए ना, सुबह वो ठंडा पानी पी लें, इस तरह खांसी लग जाती है, वायरस से भी लग जाती है। तो खांसी में बर्ड खांसी करता है, और मतलब ना उसकी अब खांसी की आवाज़, मतलब छीं छीं जैसी आवाज़ ना, इस तरह करके आवाज़ आती है, ठीक है। दो तीन चार बार इस तरह करता है खांसी, कभी कभी ज़्यादा भी करता है। इस तरह करके खांसी आपको देख के पता लग जाए खांसी है। वो एक अलग सी आवाज़ होती है, आप वो जब बर्ड आपका खांसी करेगा ना, आपको खुद पता चल जाएगा कि खांसी कर रहा है। वो अजीब सी छींक छींक करके ना, अजीब तरह की आवाज़ होती है। तो वो आपने मतलब परेशान नहीं होना, तो आप समझ जाएँ कि वो खांसी है, ठीक है। अगली बीमारी आती है ज़ुकाम। अब ज़ुकाम में भी वो खांसी करता है, पर ना एक ज़्यादा प्रोमिनेंट किस्म की एक उसमें आवाज़ें आती हैं, और सांस लेते वक्त ना आवाज़ आती है इस तरह करके उसके नाक से क्लिकिंग होती है, क्लिकिंग होती है, और वो ना अपने पंजों से नाक को रगड़ता है, ठीक है, खारिश करता है। तो ये जुकाम की अलामत है। हाँ जी व्यूअर्स, तो देखें हम, हमारे तो हाथ होते हैं ना, अब उनके हाथ पांव तो है नहीं, पांव होते हैं, हाँ सॉरी उनके पांव होते हैं, तो वो पांव से ही अपने रगड़ सकते हैं ना नाक को। अब वो परों से तो नहीं अपने कर सकते। कई परिंदे वैसे परों से भी करते हैं, अपने परों के अंदर अपना मुँह लेके ना, तो इस तरह भी कर लेते हैं। तो इस तरह ये भी एक तरीका है, लेकिन वो ज़्यादातर ना अपनी नाक को ना अपने पंजों से रगड़ते हैं, तो इसकी ये भी निशानी है कि उनको जुकाम हुआ है, ठीक। और अगला आता है मोशन। मोशन सबसे पहले तो आपने जब बर्ड लेने जाना है ना, तब आपने देख लेना उसकी वेंट को। अगर वेंट गीली हो, गंदी हो, तो उसमें मोशन वगैरह लगे हो, तो वो उसको मोशन लगे होती हैं, ठीक है। वेंट पे मोशन अगर लगाओ, ठीक है, तो घर में भी आप देखें, अगर केज बाय केज है ना, इस तरह ये देखें, ये केज बाय केज में इसकी सारी ड्रॉपिंग्स वगैरह मैं आराम से देख सकता हूँ, सारी खुश्क हैं, तो ये इसको मोशन नहीं लगे हुए, ठीक है। कोई मैं रोज़ पानी चेंज कर जाता हूँ, गीला मुझे मोशन वगैरह नज़र आता है, तो मैं समझ जाऊँगा मोशन है। एक और चीज़ है, लोग परेशान होते हैं, ये आप देख रहे हैं बड़ी सारी ड्रॉपिंग, ये अब लोग इसको भी मोशन समझते हैं। दरअसल ये होता ये है कि जब मादी हैन जो है अंडों पे बैठती है और फीड वगैरह कराती है ना, वो एक ही वक्त में करती है मोशन, और बहुत सारी बड़ी सी ये ड्रॉपिंग होती है, तो लोग इसको मिसकन्फ्यूज कर देते हैं मोशन के साथ, और फ्लैजेल वगैरह पता नहीं क्या क्या दे रहे होते हैं, ठीक है। हाँ जी ऐसे ही है। तो आप अगली पे चलते, तो अगली आई इन्फेक्शन। आई इन्फेक्शन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हमारी कॉलोनी में नहीं आई, अलग 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 शुक्र है हमारे मतलब पूरे सेटअप में, क्योंकि हमको इन्फेक्टेड बर्ड वगैरह नहीं लेकर रहे। ये एक बार आपके पास आ जाए तो वो मतलब काफ़ी ज़्यादा फैल जाती है, उसको आपने अलग करना है सबसे पहले, उस पीस को जिसकी आई इन्फेक्शन हो, और उसमें इसका ये होता है आँख के ऊपर या तो वाइट वाइट आया जाता है, या उसके आँख गिर देख ना पिंक पिंक इस तरह करके ना, वो इन्फेक्शन टाइप हो जाती है। जब आप देखेंगे आप समझ जाएंगे वो आई इन्फेक्शन ही होती है, ठीक है। और इसके अलावा कोई आँखों में डिजीज नहीं होती। तो पॉलीफेक्स आई ऑइंटमेंट से इसका इलाज करते हैं, इस पर भी आपको वीडियो बना के दिखाएंगे किस तरह करना है। उसके बाद खारिश आती है, पैर बहुत ज़्यादा खारिश करने लग जाते हैं, तो खुजली वगैरह इसे कहते हैं, ठीक है। ये भी एक बीमारी है, ठीक है। इसमें ये देखें, ये मेल फीड करा रहा है बच्चे को अपने, तो ये मैं बात कर रहा था खारिश पर, ठीक है। तो आप क्या कहते हैं, खारिश करने लग जाते हैं बहुत ज़्यादा, इसमें ये होता है कीड़े वगैरह लग जाते हैं कभी, या इन्हें खुजली वगैरह हो जाती है। इसके सलूशन पे भी हम आपको वीडियो बना के दिखाएंगे। अगली आती है फ्रेंच मोस। अब आपको पहले भी एक पैर दिखाया था बच्चा, वो शायद है उसके पूरे गर्दन पे बाल नहीं है, ठीक है, बाकी वो पूरा है, ठीक है ना, उसकी गर्दन पे बाल है ना उसकी दुम है। तो इस तरह के जो पैर होते हैं ना, जो मतलब एक यहाँ पे भी होगा हमारे पास, वो देखिए नीचे बैठा हुआ है, उसकी दुम नहीं है, ग्रे वाला एंड पे वो देखिए उसकी दुम नहीं है, ठीक है। इसको फ्रेंच मोस की बीमारी है।
और बहुत बेसिक लेवल पे है ये, बहुत हल्की सी है, इसे इतनी नहीं है, वो अभी अंदर है, दरअसल उसको आप निकाल नहीं सकते बाहर, तो इस तरह करके पहले वीडियो में दिखाया है आपको, ठीक है। तो इसका वजह क्या होती है कि मेल या फीमेल में बीमारी होती है, आप जेनेटिक्स की ये बीमारी है, आप पेड़ तोड़ दें और चेंज कर दें, काफ़ी हद तक ये बीमारी ख़त्म हो जाएगी, और इसमें कोई हल नहीं है, आपका हो गया है तो वो आप पेड़, आप वो बच्चा आपके पास ही रहेगा जिसमें बीमारी है, आप उसको दाना शाना खिलाएं, सब कुछ करें, ना फेंकें शेंकें, ना ना उड़ाएं, मर जाएगा वो, आपके पास रख लें, कुछ नहीं होता। तो व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कोई सवाल है तो पूछें, और इनकी जो हमने आपको ये बीमारियां बताई हैं ना, उनके सिम्टम्स, इस पर क्या दवाइयां देनी है, इसके लिए हम अलग अलग एक एक वीडियो अपलोड करेंगे, तो देखते रहिए बर्ड सिम्टम और अपने अपने बर्ड्स का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।